पब्लिक टीवी आपकी आवाज। भारतीय किसान यूनियन असली के बैनर तले किसानों ने मंडलायुक्त कार्यालय पर 6 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। साथ में मांगों का ज्ञापन मंडलायुक्त को सौंपा गया। भारतीय किसान यूनियन असली के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी हरपाल सिंह के नेतृत्व में किसानों ने मुरादाबाद मंडल के समस्त निजी खाद विक्रेताओं द्वारा यूरिया के साथ नैनो यूरिया की शीशी और जिक आदि जबरदस्ती दिए जाने और किसानों को ब्याज सहित गन्ने का भुगतान, आवारा पशु समेत मुरादाबाद मंडल में किसानों की फसल को बर्बाद किए जाने, मुरादाबाद जनपद के हरथला तहसील मुरादाबाद में चकबंदी प्रक्रिया के तहत चकबंदी कर्मियों ने प्रपत्र 23 बांटकर बिना जनसुनवाई के किसानों की पुश्तैनी जमीन को आबादी में भूमाफियाओं के साथ हमसाज होकर रामगंगा के किनारे आवंटित किए जाने को लेकर मंडलायुक्त कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया गया। माफिया कर दी नहीं चलेगी, भूमाफियाओं की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भारतीय किसान यूनियन असली जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन असली जिंदाबाद, जिंदाबाद। भूमाफिया कर दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भाई साहब, आज जो आप ज्ञापन दे रहे हैं, क्या मांग है आप लोगों की? आप लोगों की क्या मांग है? आज हम मेन 4 मुद्दों को लेकर आए हैं और 4 मुद्दे समय साहब से लेते हैं और उनके संज्ञान में डालना चाह रहे हैं। नंबर पहला हमारा इशू ये है कि जो फर्टिलाइजर है यूरिया खाद, वो धान की फसल है और काफ़ी किसान जरूरत पड़ रही है आज। तो जब किसान कट्टा ले जाता है खाद का दुकान पर, तो वहाँ दुकानदारों पर दबाव बना दिया गया है कि वो एक कट्टे के साथ या तो नैनो का एक पैकेट ले या जिंक ले। वो अगर 280 रुपये कट्टा खाद का एक है तो 280 रुपये एक प्रोडक्ट और ले, और नैनो जो ये दे रहे हैं वो जो लिक्विड दे रहे हैं वो फेल हो चुका है, वो काम नहीं करता खेतों में। तो जबरदस्ती किसानों को यूरिया के साथ प्रोडक्ट दे रही है कंपनियां और खुद लूट किसानों को हो रही है। एक तो इसके बारे में बात करनी कहूँ सबको। दूसरा हमारा इशू है कि हर तरह के कुछ किसान हमारे पास आए, इन्होंने हमको बताया कि हमारी सैकड़ों साल से हमारे बाप दादा रहते आ रहे, हमारी जमीन थी हर तरह के अंदर, और वहाँ चकबंदी हो रही है। चकबंदी का मूल उद्देश्य क्या होता है कि मेरी कई मूल जमीन है, मैं मूल जोत रखता हूँ अपनी पुरानी, तो मेरा कहीं दूसरा खेत के सटका हुआ है उसको ला के वहाँ लगा दिया जाए ताकि ये आ जाऊँ मैं। यह उल्टा हो रहा है, यहाँ 50 किसानों की मूल जमीन का चक हटा कर एक माफिया द्वारा अमराबाद के नदी में डलवा दिया गया, और नदी में जहाँ उनकी जमीन थी उसको ला के वहाँ चक बनवा लिया अपने, और चक बनवा कर बड़ी तेजी के साथ बुलडोजर चलवाए जा रहे हैं, एक्सर कराई जा रही है, कब्जा किया जा रहा है, जबकि एसी लेवल पर चेक बना के वाले भी, और एसी लेवल पर आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ हिंदुस्तान में, एसी के बाद कोई नपत हुई है भारत में, लेकिन एसी लेवल नपत कराई जा रही है। और ये किसान सबके पास भागे फिरे, ये हर अधिकारी के पास गए, अभी गए वहाँ धमकी दी जाती है और पुलिस भेज के धमकाया जा रहा है, अगर आपने शिकायत की मेरी, सीओ कह रहा है चकबंदी का, इस शिकायत कहीं की आपने इतने मुकदमे लगवाऊंगा कि होश में आ जाओ। तो हम आज कमिश्नर साहब से बात बता रहे हैं और हम मुख्यमंत्री से अपील करना चाहते हैं माननीय योगी से कि आप एक तरफ जहाँ पूरी यूपी में भूमाफियाओं पर बुलडोजर चलवाने की बात की जा रही है, कार्रवाई हो रही है, वहाँ मुरादाबाद में भूमाफिया किसानों को उजाड़ कर उनकी मूल जोत पर वहाँ कब्जा कर रहे हैं। ये जमीन कीमती है इनकी हड़तले के अंदर, एक किसान में 3 लड़कियाँ बेचारे की, उनकी 2 बीघे जमीन केवल, वो चाहता 2 बीघे जमीन अपनी बेच के मैं अपनी शादी करूँगा, हम माफिया कब्जा कर रहा है। इससे बड़ा अन्याय हो सकता है भारत में, हम स्पष्ट करना चाहते हैं आज सरकार को भी, अगर अब इन किसानों की 1 इंच जमीन भी माफिया द्वारा चकबंदी विभाग के थ्रू कब्जा की कोशिश की गई तो पूरे हिंदुस्तान का किसान मुरादाबाद में आकर संघर्ष करेगा इनके लिए। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।